कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जो है मनीष कश्यप के लिए आवाज उठा रहे हैं। मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोमी खेल नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव के लिए आवाज बन रहा है। आज जो है वो हमारे गोंजन पार्टी के सभी लोग मौजूद है और सभी जो है आशुतोष कुमार के सपोर्ट में, मनीष कश्यप के सपोर्ट में आवाज लगा रहे हैं। ये पुलिस को जो है निकम्मी साबित कर रहे हैं, वो पुलिस को हैरान कर रहे हैं। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकदम शेरपुर ढेपरा में मौजूद है। जी हाँ, ये विद्यापति प्रखंड का एक पंचायत है शेरपुर, जहाँ पे आज मनीष कश्यप के सपोर्ट में सभी युवा लोग मौजूद हैं और उसके न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। बिहार का एक ऐसा बाज जिसके एक आवाज पे गरीबों का समस्याओं का हल हो जाता था, आज उसके हल को दबाने के लिए वर्तमान की जंगल राज का निकम्मी सरकार, जो कि आज सभी पत्रकारों को चौथा स्तंभ को दबाने का कोशिश कर रहा है, ताकि वो जो है मनमानी करते रहे, गुंडे करते रहे, और हम लोग जो है सोहत में हाथ डाल के उसके गुंडे का जवाब ना दे पाए, उसके गुंडे के देखते रहे। जैसे कि उसका बाप लालू यादव इससे पहले 15 साल तक हमारे देश को बर्बाद करके, हमारे राज्य को बर्बाद करके दो टुकड़ों में बढ़ चुका है। अब फिर से वही जनरल राज दोबारा उसका बेटा जो है नौमी फेल किया जाता है तेजस्वी यादव, जो की दोहराने का कोशिश करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बहुत सारे लोग मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो कैमरा मैन से नजदीक विनती है, थोड़ा नजदीक आने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे भाई कुंदन मौजूद है, जो कि हमेशा लोगों के लिए पोस्ट करते रहते हैं और इनके पोस्ट में हमेशा जो है तरह तरह की टिप्पणियां होती है, और जब भी ये पोस्ट करते हैं एक विकराल रूप धारण करती है। अच्छा ये बताइए, आज मनीष कश्यप जो कि गरीबों का आवाज है, उन्हें उनके ऊपर 7 FIR कर दिया गया, वजह ये थी कि वो तमिलनाडु में हमारे बिहारी भाइयों के लिए आवाज बने, आज उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्या लगता है इसी तरह हमारे बिहार के ऊपर हमेशा जंगलराज होता रहेगा? ये कभी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सब मनीष कश्यप के साथ हैं और मनीष कश्यप ने कोई गलती नहीं किया है। एक फर्जी अकाउंट था जिसके बदौलत केस कर दिया गया फिर से, और वो जो वीडियो था पप्पू यादव हो या कहें प्रभात कंवर या दैनिक भास्कर, ये सब पहले से ही डाल दिए थे। उसके बाद कोई यूट्यूबर होता है अपने फायदे के लिए वीडियो डालता है, लेकिन वो बाद में डाला गया, उस पर बेवजह केस कर दिया गया, क्योंकि उसके पास इतना ना फॉलोअर था, जिसे 4 मिलियन फॉलोअर है। देखिए तेजस्वी यादव का 2 मिलियन फॉलोअर, इसी कारण तेजस्वी यादव पर मनीष कश्यप पर FIR किया गया है। जो आज देखिए तमिलनाडु में, तमिलनाडु सरकार भी 2, 4, 5 कर दिए हैं FIR। क्यों क्यों? क्योंकि जाके तेजस्वी यादव केक काटते हैं तमिलनाडु, ये क्यों, ऐसा क्यों? बिहार से लोग जाएं और मार खाएं क्यों? बिहार में रोजगार सरकार क्यों नहीं दे सकता है? आज हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से। और ये बिहार सरकार 180 दिन मनीष कश्यप ने बोले हैं हम 100 दिन नहीं टिकने देंगे। आज तेजस्वी यादव बोले ना कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। आज देखें, आज उसका जवाब देखें, मनीष कश्यप का पावर क्या होता है। आज पूरे बिहार बंद है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने पूरे बिहार को बंद कर दिया। आज बिहार देखिए पूरा बंद है और पूरी तरह बंद है। अच्छा आप लोग जो रास्ते को बंद किए हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन यही था कि मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के लिए हम लोग खड़ा हुए हैं। मनीष कश्यप के द्वारा जो अन्याय हो रहा है, जो राजनीतिक मुद्दों के कारण उसे फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग खड़ा हुए हैं। हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सॉरी हमारे प्रखंड राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है। क्या चाहते हैं यहाँ पे आप लोग जो इतने हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम लेके खड़े हैं, क्या आप है इसके पीछे का रीजन? पीछे दिन है ये भूमिहारी एकता मंच का ये समर्थन कर रहे हैं, इसी चलते हम रोड जाम किए हैं। मनीष कश्यप जिसे की आवाज को दबाने का कोशिश करती है वर्तमान की निकम्मी सरकार, क्या चाहते हैं? जब भी कोई गरीबों का आवाज बनेगा तो उसे ऐसे ही दबा दिया जाएगा? नहीं छूटेगा। हाँ,
उसके लिए आप लोग है ना, उसके लिए आप लोग लड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ बहुत सारे युवा मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद है, ये बात करने का कोशिश करेंगे। हरिओम। आज हमारे देश में मनीष कश्यप जो कि पूरे देश में गरीबों का आवाज है, आज उन्हें दबाने का कोशिश किया जा रहा है। क्या चाहेंगे? क्या ऐसे ही जो भी लोग गरीबों का आवाज बनेगा तो उसे ऐसे ही हमारी वर्तमान सरकार जो है दबाने का कोशिश करेगा और दबा देगा? क्या लगता है, ऐसे ही हमारी वर्तमान की जो जंगल राज की सरकार है जो भी गरीबों का आवाज बनेगा उसे ऐसे ही दबा दिया जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं, कैसे दबा दिया जाएगा? हम लोग युवा सपोर्ट करेंगे मनीष कश्यप को, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। आज आप लोग सड़क को जाम किए, इसके पीछे का पूरा क्या आप लोग का मोटो है? हम लोग का मोटिव ये है कि मनीष कश्यप इसमें दोषी नहीं है, जब उसको फंसाया जा रहा है राजनीति के कारण से। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसका और सपोर्ट करेंगे, हमेशा करते हैं। मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रशासन है, मनीष प्रशासन है, मनीष कश्यप के लिए आवाज उठा रहे हैं। मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो भी फैल नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव के लिए आवाज उठा है। आज जो है वो हमारे गोजन पार्टी के सभी लोग मौजूद है और सभी जो है आशुतोष कुमार के सपोर्ट में, मनीष कश्यप के सपोर्ट में आवाज लगा रहे हैं। ये पुलिस को जो है निकम्मी साबित कर रहे हैं, युवा पुलिस को हैरान कर रहे हैं। जनता दी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और भी लोग मौजूद है, बात करने का प्रयास करेंगे। मिस्टर विकास, आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। मनीष कश्यप का आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग यही कहना चाहेंगे, मनीष कश्यप के साथ जो अन्याय हो रहा है इस पे पूर्ण तरह से जांच हो। तमिलनाडु में जाके तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जो भी है फिलहाल जाके जांच करे, केक काट के फिलहाल नहीं आया, वो जाके जांच करे और देखे बिहारी मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। बिहारी मजदूर सब खटखट के इतना मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद उन लोग के साथ दबाया जा रहा है उनका आवाज। ये न्याय हम लोग नहीं सहेंगे और मनीष कश्यप के साथ थे, हैं और रहेंगे। आप राष्ट्रीय जनता पार्टी से, आपकी पार्टी के तरफ से क्या किया जा रहा है मनीष कश्यप के लिए? मेरी पार्टी के तरफ से जो मतलब पूर्ण सपोर्ट दिया जा रहा है मनीष कश्यप के। अच्छा, तो जैसा कि देख सकते हैं सभी लोगों का एक ही मांग है कि मनीष कश्यप को न्याय मिले, मनीष कश्यप को पुलिस रिमांड से रिहा किया जाए, क्योंकि ऐसे ही अगर गरीबों का आवाज को दबा दिया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई गरीबों का आवाज नहीं बनेगा और एक समय आएगा कि ऐसे ही जंगल राज की सरकार जो है तानाशाह बन के बिहार पे शोषण करता रहेगा। तो हम यही चाहते है कि जो भी लोग सो गए हैं जगिए, यहाँ पे देखिए एक भी जो आपको एक भी यादव समाज के लोग बहुत कम मिलेंगे, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहे। क्यों भाई? इसलिए तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव यादव है, ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपको जगना होगा। नहीं तो आने वाले समय में तेजस्वी यादव जो है यादव को भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो यादव का समर्थन करेगा और अन्य जातियों का विरोध करेगा। एक दिन आने वाले समय में सबको जो है ना रोना पड़ेगा, इसलिए यादवों को भी जगना है। यादव मुर्दाबाद, जो कि गरीबों का आवाज है उसे दबाने का कोशिश किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो गलत है, ना इंसाफी है। आज मनीष कश्यप अगर आपके साथ भी कुछ होगा तो यहाँ पहुँचेगा और आपका न्याय दिलाएगा। अब देखिए कि नल जल से लेकर कोई भी समस्या हो, मुंबई जाके भी वो जो है सो मतलब विरोध करता है, बॉलीवुड के हीरो तक का विरोध करता है, और आज हमारी निकम्मी सरकार उसे क्यों विरोध कर रही है? क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? क्या गलत, गलत है, क्या तेजस्वी यादव गलत कर रहे हैं? मनीष कश्यप के सपोर्ट में आप लोग हैं? हम लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में हैं। और मनीष कश्यप को न्याय चाहिए, ये एकदम हर हाल में न्याय चाहिए। हमारे धीरज भाई मौजूद है, क्या कहेंगे? आज मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी से बचने के लिए या राजनीतिक प्रेरणा के तहत मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है, समझे? इसका मुख्य कारण यही है कि उसका जो बाप चारा घोटाला किया था उसको छुपाने के लिए सीबीआई ईडी के मतलब न्यूज में नहीं आए और मनीष कश्यप का बात न्यूज में आए, इसीलिए ये सब षड्यंत्र रच के मतलब मनीष कश्यप को फंसाया। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि 10 लाख रोजगार का जो वादा किया था और उसका बाप जो
जो है वो खुद जो है सीबीआईडी के शिकंजे में फंसा हुआ है। रेल में जब उसका बाप था तो जमीन लो और नौकरी दो, इस मामले में उसका पूरा खानदान फंसा हुआ है। तो मुद्दा से भटकाने के लिए ताकि लोगों का नजर हट जाए और रोजगार भी न हो, रोजगार समय भी कट जाए, युवा रोजगार मांगना बंद कर दे। मनीष कश्यप को इसीलिए फंसाया गया। और दूसरी तरफ ये भी देख रहा है कि मनीष कश्यप जो है सो हमारी गुंडाई को पर्दाफाश करता है। तो अगर ये चुप हो जाएगा, इसको शांत कर देंगे तो और भी जितने पत्रकार हैं वो भी चुप हो जाएंगे और उसकी तानाशाही चलती रहेगी। मनीष कश्यप का 40 लाख फॉलोअर है, कहाँ तेजस यादव 40 लाख ने पैसा 67 लाख नहीं 40 लाख फॉलोअर है, उसके बाद तेजस्वी यादव का मात्र 20 लाख है। तो मनीष कश्यप के सामने में तेजस्वी यादव कहीं नहीं है। उसका बाप मुख्यमंत्री था तो वो सोना चम्मच लेकर के पैदा हुआ तो बेटा को सोना चम्मच से खिला रहा है, और ये चांदी का चम्मच स्टील का चम्मच लेकर पैदा हुआ मनीष कश्यप स्टील के चम्मच से 40 लाख पे चला गए, वो सोना के चम्मच से 20 लाख पे अटका। तू कैसे बर्दाश्त होगा? वो समझता है कि भविष्य में मुख्यमंत्री का दावेदार होगा मनीष कश्यप, इसीलिए अभी से इसका टांग काटो, समझा? इसीलिए पूरा प्रेरणा के तहत मनीष कश्यप को फंसाया गया है और चारा घोटाला और सीबीआईडी से बचने के लिए ही सारा किया गया है। हम लोग मनीष कश्यप के साथ हैं और मनीष का तो हम लोग जाम किए हैं और करते रहेंगे। देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे आगों की जली किया गया है, आग को जलाया गया है। और इधर देखिए गाड़ी लगा हुआ है, उधर भी गाड़ी जाम है, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थन में, मनीष कश्यप के सपोर्ट में देखिए लोगों की संख्या। इधर हमारे भाई से मौजूद है, दिखाइए कि किस तरह से लोगों का हुजूम है, चारों तरफ देख सकते हो। यहाँ पे जो है बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग नहीं बोलना चाहते। मुझे भी आप लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप